गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः शॉर्ट स्टोरी के पहले लेसन द गोल्ड वॉच के शेष पैराग्राफ्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक ऊपर की लाइनों में आपने जाना कि सुबह हो गई और सनकू की पत्नी ने सनकू के कंधों को धीरे से हिलाकर कहा कि सूर्य निकले काफ़ी देरी हो गई है, क्या तुमको काम पे आज नहीं जाना है। ठीक है, इतनी बात हुई थी। तो सनकू ने अपना सर उठाया और बोला, ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। हाँ कहकर और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज ही वो दिन था जिस दिन उसे अपनी घड़ी इंजीनियर की घड़ी चुरानी थी। प्लान वो पहले ही कर चुका था, इसलिए वो जल्दी में उठा। ही स्टेप्ड डाउन, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरा, इन ए हरी, शीघ्रता में, जल्दी में। वो जल्दी से आंगन की सीढ़ियों से नीचे उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज, सुनहरी किरणों को देख रहा था, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देखते हुए वो आंगन में तेजी से उतरा। और वो सूर्य की किरणें पियर्सिंग, जो भेद रही थी, छेद रही थी, द लश, माने खूब अधिक मात्रा में फले फूले बंबू फोली, बहुत अधिक मात्रा में लगे हुए बांस के पत्तों को छेद रही थी। क्या? सुनहरी सूर्य की किरणें। वो किरणें आ कहाँ से रही थी? ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा से आने वाली सूरज की सुनहरी किरणें बांस के पत्तों को छेद करके क्या कर रही थी? एंड ब्राइटनिंग, और चमका रही थी द ओल्ड पाम लीव, पुराने ताड़ के पत्ते वाले थैच मींस छप्पड़ को। ठीक है, सूर्य की चमकीली किरणें बांस के पत्तों को छेद करके छप्पड़ पर लगे हुए पुराने ताड़ के पत्तों को चमका रही थी। उन सूर्य की किरणों को देखते हुए सनकू नीचे उतरा। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोजाना की तरह अपने चेहरे को और हाथों को धुला। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने कार्य वाले कपड़े को पहन लिया, जैसे जो मजदूर या जो ऐसे मैकेनिक जो गैरेज वगैरह में काम करते हैं, वो एक अलग पोशाक रखते हैं। जब गैरेज में पहुंचते हैं तो वो अपनी काम करने वाले कपड़े को पुनः धारण कर लेते हैं, जो गंदा मैला होता है। ठीक उसी प्रकार इसने अपने काम करने वाले कपड़े को पहन लिया, फैक्ट्री के यूनिफॉर्म को पहन लिया। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने कारखाने को प्रस्थान के लिए चलने ही वाला था, मतलब दफ्तर के लिए बिल्कुल तैयार होके वो निकल पड़ा। तभी क्या हुआ? व्हेन हिज वाइफ, तभी उसकी पत्नी ने सेड कहा। ठीक है, जैसे ही ये घर से निकला, जैसे कि अक्सर जो हस्बैंड होते हैं वो जब घर से निकलते हैं तो उनकी वाइफ अक्सर जो है कुछ शॉपिंग वगैरह के विषय में उनसे कह देती हैं कि आपको मार्केट से शाम को लौटते समय क्या लाना है। ठीक उसी प्रकार जाते समय सनकू की पत्नी बोली, क्या बोली? लिसन, सुनते हो? यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट। ठीक है, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट माने होता है मरहम, घाव पर लगाने वाला मरहम। तो सुनिए, आपको बाई करना है, खरीदना है सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहम खरीदना है फॉर द चाइल्ड, किसके लिए? बच्चे के लिए। आपको शाम के समय जब आप घर आएंगे तब आपको मरहम भी लेते आना है। सी थ्रू,
उसने डाला एक कमांडिंग लुक, एक आदेशात्मक निगाह डाली, आदेशात्मक नजर डाली एट हिम, उस पर, मतलब सनकू को घूर करके उसने आदेशात्मक तरीके से कहा कि शाम को जब लौट के आना तो तुम मरहम को अवश्य लाना। सनकू फेल्ट, सनकू को लगा दैट ईच ऑफ द सोर्स कि प्रत्येक घाव, ठीक है, प्रत्येक जख्म, प्रत्येक घाव ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के थोड़े निकले हुए शरीर के प्रत्येक घाव, ठीक है, फेस्टरिंग माने होता है पीप से भरे हुए फोड़े, ठीक है, ऐसे फोड़े जो सड़ रहे हों, ठीक है, तो उसी को कहा गया कि सनकू को ऐसा लगा कि बच्चे के शरीर के घाव जिसमें पीप भरा हुआ था, बॉडी वाज स्टीयरिंग, घूर रहा था एट हिम, उसको एक ग्रूसम वे, कैसे, बड़े ही भयानक तरीके से, ठीक है, बच्चे के शरीर पर, बच्चे के शरीर पर पीप से भरे हुए फोड़ों के घाव सनकू को बड़े ही भयानक तरीके से घूर रहे थे। यह चीज सनकू को आभास हुई, फील हुई। सनकू को लगा कि बच्चे के शरीर के प्रत्येक जख्म, प्रत्येक पीप से भरे हुए फोड़े उसे भयानक तरीके से घूर रहे हों। ए मोमेंट पास्ड, एक क्षण बीत गया इन साइलेंस, चुप्पी में, मतलब शांति में, ना तो ये कुछ बोले सनकू और ना ही इनकी पत्नी कुछ बोली, लगभग एक क्षण शांति में गुजर गया। फिर सनकू बोला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, व्हाट सॉर्ट, किस तरह का ऑफ ऑइंटमेंट, किस तरह का मरहम चाहिए। सनकू आस्क लाइक ए फूल, सनकू ने ऐसे पूछा मानो कोई मूर्ख हो। मूर्ख क्यों कहा गया, क्योंकि ये देख रहा है कि सर बच्चे के पूरी बॉडी पर फोड़े निकले हुए हैं, फिर भी ये पूछ रहा है कि कैसा मरहम चाहिए, किस तरह का मरहम चाहिए, ठीक है। तो पत्नी ने कहा ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, मरहम किसके लिए, घावों के लिए मरहम चाहिए, काहे के लिए, घाव पर लगाने वाला मरहम चाहिए। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने ये बात कहा या जारी रखा, यू मीन, तुम्हारा मतलब, यू हैव नॉट सीन, तुमने अभी तक देखा ही नहीं है द सोर्स, घावों को ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पर। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बच्चे के शरीर पर जो घाव बने हुए हैं, घाव निकले हैं, उन घावों को तुमने अभी तक देखा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा, जब ऊपर इसने पूछा कि किस तरह का मरहम चाहिए, ऐसे पूछा जैसे कि कोई मूर्ख हो, तो वही पत्नी ने यहां थोड़ा कठोर स्वर में कहा कि इसका मतलब, तुम्हारा मतलब, तुम्हें जो है घाव दिखाई नहीं दे रहे हैं बच्चे के शरीर पे। तो सनकू ने कहा यस, हाँ, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ अपॉइंटमेंट, हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे, वर्थ माने कीमत का है ऑफ अपॉइंटमेंट, मरहम कितने पैसे का है, मतलब कितने रुपए में मिलेगा ये। तो पत्नी ने जवाब दिया एट लीस्ट, कम से कम 13 पैसे वर्थ, 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे की कीमत लगेगी, अर्थात तुमको 13 पैसे खर्च करने पढ़ेंगे। वी मस्ट अप्लाई, हमें अवश्य ही प्रयोग करना होगा इट, इसका, फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक एट लीस्ट, कम से कम।
इस मरहम का प्रयोग लगातार हमको 3 दिनों तक करना होगा, तब जाके कुछ राहत मिलेगी। ये बात कही इनकी पत्नी ने। तो सनकू ने हुकारी भरी, कहा हम। सनकू बिगेन टू वॉक, सनकू पुनः चलने लगा विद बेंट हेड, अपने झुके हुए सर के साथ उसने अपना प्रस्थान प्रारंभ किया या दफ्तर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई थी, पत्नी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने दोबारा इनको बुला करके कहा, क्या कहा, प्लीज कृपया, ठीक है, अब की उसने कुछ मीठे स्वर में बात की, कहा सी कॉल्ड आउट, वो बोली इन ए सॉफ्ट वॉइस, ठीक है, बड़ी ही मधुर आवाज में, अब की वो बहुत ही मीठे आवाज में बोली कृपया, ठीक है। तो सनकू लुक्ड बैक, सनकू ने पीछे देखा, सी स्पोक जेंटली, वो बहुत विनम्रता से बोल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी या बोली, और क्या बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas, कृपया 2 पके हुए केले लेते आना, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को तुम आना तब कृपया 2 पके हुए केले ले आना, द बेबी स्टार्स क्राइंग, बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है एट नाइट, कब, रात को बच्चा रोने लगता है, इसलिए जब आना तो केले भी लेते आना, ठीक है, क्यों लेते आना, क्योंकि बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है, एंड आई हैव नो मिल्क, अब मेरे पास दूध भी नहीं है टू गिव हिम, उसे देने के लिए। कहने का तात्पर्य ये कि घर में दूध है नहीं, तो जब बच्चा रोने लगता है तो मैं उसे क्या दूंगी, इसलिए जब शाम को आना तो 2 पके केले लेते आना, ठीक है, इतनी बात हुई। सी स्टूड देयर, वो वहीं पर खड़ी थी, पुलिंग अप हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, पुलिंग पुलिंग खींचना अपने सुपर, अपने ब्लाउज को थोड़ा ऊपर उठाते हुए वो वहीं खड़ी थी, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर उठा करके वो वहीं खड़ी थी। देन सनकू नोटिस्ड, तब सनकू ने देखा हर बेली, उसका पेट बल्गिंग आउट, बाहर निकला आ रहा था। इट मीन्स द वाइफ ऑफ सनकू वाज प्रेग्नेंट, सी वाज अबाउट टू गिव बर्थ अनदर चाइल्ड, ठीक है ना। देन सनकू नोटिस्ड हर बेलिंग बेली, तब सनकू ने उसके पेट पर ध्यान दिया, देखा जो बल्गिंग आउट, बाहर निकले हुए थे। तो फिर उसने सोचा, वाज इट अनदर बर्डन, क्या ये एक दूसरा भार था, ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते का तात्पर्य ये है कि क्या उसके कंधे पर एक और भार आने वाला था। इट मीन्स यहां वो वैसे ही ऋणी है, लोगों का कर्जदार है, ठीक है, और इतनी फैमिली में वो इतना कर्जदार हो गया, अब एक बच्चा और आने वाला है, अर्थात उसके कंधे का बोझ और बढ़ने वाला था। तो जब ये चीज सनकू ने देखी तो सनकू वाज स्टंड, सनकू अस्तभ्य रह गया, ठीक है, सनकू अस्तभ्य रह गया, चौंक गया, यह देख करके सनकू पूरी तरह से अस्तब्ध हो गया, चौंक गया। He cursed himself, उसने अपने आप को कोसा, श्रापा, ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि
पत्नी की ये नौबत बल्गिंग आउट बेली किसके कारण हुई? इन्हीं के कारण हुई, सनकू के कारण हुई, इसलिए ये अपने आप को श्रापने लगा, कोसने लगा। एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी आह भरकर ही रिज्यूम्ड, उसने शुरू कर दिया हिज वॉक, अपनी यात्रा को शुरू कर दिया, अपने प्रस्थान को शुरू कर दिया टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री की तरफ ये चल पड़ा। जब पत्नी के निकले हुए पेट को इसने देखा तो यह चौंक गया, स्तब्ध रह गया और मन ही मन ये सोचा कि क्या एक और भार मेरे सर पर, मेरे कंधों पर आने वाला है। ठीक है, अपने आप को कोसते हुए वह दफ्तर की तरफ चल पड़ा, निकल पड़ा। ठीक, फिर इसकी पत्नी बोली, ठीक है, दोबारा चलते समय इसने कहा, लिसन, सुनो, डोंट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं, मतलब जो भी मैंने कहा है उस चीज को भूलना नहीं। क्या क्या कहा? एक तो ऑइंटमेंट कहा, फार सोर्स, और दूसरा कहा क्या, टू राइप बनानाज, दो पके हुए केले, इन दोनों चीजों को भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया, मतलब ये बात चलते समय पत्नी ने उसे पुनः याद कराया। सनकू नोडेड हिज हेड, सनकू ने अपना सर हाँ में हिलाया, मतलब उसने सर हिला के हाँ में जवाब दिया। एंड वॉक्ड ऑन, और चला गया। ठीक, आगे देखेंगे। एट 1 o'clock, 1 बजे द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, मध्यावकाश के लिए 1 बजे फैक्ट्री की घंटी बजी। और जैसा कि पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि जब इंट्रोल होता था तो कुछ लोग लंच के लिए और कुछ लोग आराम के लिए बाहर चले जाते थे, अपने अपने घरों पर, क्वार्टर्स पर चले जाते थे, तो वही हुआ। जैसे ही घंटी बजी, जैसे विद्यालय में घंटी बजती है, बच्चे एक रफ्तार में, एक झोंके में साथ में निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार एवरी वन रस्ड, प्रत्येक व्यक्ति दौड़ पड़ा इन हेस्ट, शीघ्रता में, टू होम्स, घर को, होटल्स, होटलों के लिए, आर टी शॉप या चाय की दुकानों पर दौड़ पड़े फॉर लंच, भोजन के लिए, मतलब जैसे घंटी बजी प्रत्येक व्यक्ति, कुछ तो घर को गए, कुछ होटल में गए और कुछ चाय की दुकान पर गए लंच करने के लिए। ठीक है, सब तो गए, लेकिन क्या सनकू जाएगा? सनकू वाज द ओनली वन, सनकू एकमात्र ऐसा था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं पर नहीं गया। ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया था कि यही वो मौका था, यही वो गोल्डन चांस था जिसमें इनको अपना कार्य परफॉर्म करना था, अपने कार्य को करना था। तो सनकू वाज द ओनली वन, सनकू एकमात्र ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं पर नहीं गया। ही स्टूड, वो खड़ा था, लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, एक खंभे के सहारे झुका हुआ वहीं पर खड़ा था, इन ए कॉर्नर, कोने में, ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम तरफ लगे एक खंभे के सहारे सनकू वहीं पर खड़ा था। हिज हर्ट वाज क्लाउडेड एंड ब्रूस्टिंग विद इम्पेशेंस, उसका हृदय बहुत घबराया था और अधीरता के साथ धड़क रहा था, मतलब उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा, चूंकि वो कार्य करने ही वाला था। ठीक, ए मोमेंट पास्ड, लगभग एक क्षण बीत गया, द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, ए साल्ट, एक छोटे कद का फैट इंग्लिश मैन, ठीक है, छोटे कद का मोटा इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था, विद कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्लियों की तरह थी, अर्थात भूरी थी। हो लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, वो इतना गोरा था जैसे कि कोई संगमरमर की मूर्ति हो। ठीक है, उस इंजीनियर को कहा गया कि वो इतना गोरा था जैसे कि कोई
संगमरमर की मूर्ति हो। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर निकला। क्लोज्ड द डोर, कमरे का मतलब अपने दफ्तर से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। ठीक है, एज यूजुअल, रोजाना की तरह। देयर वाज नो वॉच, कोई घड़ी नहीं थी। ऑन हिज रेस्ट, उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। सनकूज हर्ट फेल्ट कूल एंड रिलीफ, सनकू को थोड़ी राहत मिली। सनकू का हृदय थोड़ा शांत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, वो घड़ी को चुराने वाला था, तो इसे डर था कहीं इंजीनियर घड़ी पहन कर ना चला जाए। तो जब इसने ये देखा कि इंजीनियर के हाथों पर कोई घड़ी नहीं है, तो इसे कुछ सुकून मिला। ए फ्यू मोमेंट पास्ड, कुछ क्षण और बीत गए। सनकू लुक्ड अराउंड, सनकू ने चारों तरफ देखा। और देयर वाज नोबडी इन साइट, तो वास्तव में निगाह में कोई नहीं आया, अर्थात दृश्य में वहां पर कोई नहीं था, अगल बगल कोई नहीं था। ठीक, इतने पैराग्राफ आप रिपीट कर लेंगे, लाइन टू लाइन मिला लें। यदि कहीं अर्थ में दिक्कत हो तो बताएं, प्रश्न करें, और इसके बाद शेष वीडियो अगले पैराग्राफ में दिया जाएगा। धन्यवाद।